रेस्टोरेंट की आड़ में चलाए जा रहे जिस्मे के धंधे पर पुलिस पहुंची और शराब शबाब के साथ लड़के लड़कियों को पकड़ा है। ये पूरी कार्रवाई झारखंड के कोडरमा स्थित एक रेस्टोरेंट में की गई है। जहां टीम ने छापा मारा, वहां बिहार, झारखंड और अलग अलग इलाके से युवक युवतियां अय्याशी करने पहुंचते थे। बताया गया कि यहां देह व्यापार के लिए 2,000 रुपए का कमरा भी 20,000-30,000 रुपए में किराए पर दिया जाता था। कोडरमा एसपी कुमार गौरव को मिली सूचना के आधार पर देर रात पुलिस ने रेस्टोरेंट में छापेमारी कर 4 लड़की और 6 लड़कों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया। साथ ही मौके से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। यहां देह व्यापार के लिए लड़कियों को बुलाया जाता था। दिलचस्प बात यह है कि ये रेस्टोरेंट झारखंड पर्यटन विकास कॉरपोरेशन का है, जिसे आउटसोर्सिंग कंपनी को टेंडर पर दिया है। पिछले कुछ दिनों से यहां पर सेक्स रैकेट चल रहा था। जानकारी के मुताबिक रेस्टोरेंट के अलग अलग कमरों में युवकों को शराब के साथ लड़कियां परोसी जाती थीं। मामले में पुलिस ने हिरासत में लिए गए लड़के लड़कियों से पूछताछ शुरू करते हुए जांच में जुट गई है कि इसमें कौन कौन शामिल है। कल रात ये सूचना मिली कि कोडरमा जिला में चंदवारा थाना अंतर्गत झील रेस्टोरेंट में कुछ गलत गतिविधि चल रही है, इसमें देह व्यापार किए जाने की सूचना मिली। तो इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए एसडीपीओ के नेतृत्व में महिला पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य कर्मियों की एक टीम गठित की गई और झील रेस्टोरेंट में छापामारी की गई, जहां से कुछ व्यक्ति पुरुष और कुछ महिलाओं को गिरफ्तार किया, उनको लाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है सर? वहाँ से कुछ जब्ती की गई है, कुछ सामानों की। कहाँ की सर ये लड़कियाँ थी सर, कहाँ से थी? इस चीज़ का सत्यापन किया जा रहा है, क्योंकि ये अपना नाम और पता बदल बदल के बता रहे हैं बार बार, तो इसमें ये संदेह है कि ये अपना सही नाम पता छुपा रहे हैं और उसका हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। संचालक की भी भूमिका संदेह के घेरे में है सर, क्या कुछ हम लोग इस संबंध में भी जाँच कर रहे हैं।